क्लब पर कहाँ पे? आ गया। इसमें नहीं। ये भी इंटरलॉकिंग सिस्टम सब काम पूरा। इसमें नाग देवता रहता है और दूध पीने भी आते हैं यहाँ पे कभी कभार, है ना? हमेशा आते हैं। कटोरी, हाँ, उसमें दूध डालते हैं। निकलता है रहते कहाँ वो किसी को नहीं पता, अंदर रहते। ये क्लब रक्स कहा जाता है, इसके नीचे खड़े रह के कोई भी मांग लो उनसे, भगवान से, तो वो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। मैं भी मांगना चाहता था आज, लेकिन इन्होंने लॉक कर रखा है, तो मेरी इच्छा पता नहीं कैसे पूरी होगी। मैं देख रहा हूँ इसकी पर्चा, जहाँ जावे ना वहाँ चला जाता हूँ, इसकी पर्चे में खड़ा रहकर मांग लूंगा, शायद मिल जाएगा। इसकी परचाई काम नहीं आएगी? पूरा कवर कर रखा है इसको, कोई पशु पक्षी वगैरह, हवा आंधी वगैरह, बारिश बारिश में भीगे भी नहीं। ये गेट है, ये लॉक कर रखा है मैंने। तना आ रखा नीचे तक, शायद नीचे तक पूरा जमीन में गया हुआ है। मंदिर तो काफी अच्छा बना हुआ है। ये जनों का धार्मिक स्थल है। सूख गया शराब की तरह। किसने दिया था शराब? रामायण की, महाभारत के टाइम का दिया। महाभारत से भी पहले का? पहले यही शहर हुआ करता था। मोहम्मद गजनवी ने यहाँ पे आक्रमण करा था, पहला आक्रमण, है ना? उसके बाद में महाभारत से भी पहले के ये सब, महाभारत रामायण काफी सालों पुरानी है ना, उससे भी पहले की महाभारत के भी, वो आज भी है। ये भी पूरा इंटरलॉकिंग से बना हुआ पूरा पूरा, है ना? इसमें मसाले नहीं लगे हुए कहीं भी, कारीगरी बारीकी देखो उसकी। ऐसे लग रहा है एक ही पत्थर है पूरा, कहीं भी आपको जॉइंट नहीं दिखेगा। बना हुआ ना तोड़ने के लिए भी कोशिश, ये वाले निशान, ये सब मूर्तियाँ खंडित कर रखी है नहीं? जब जब हमले हुए ना तब तक इसमें सब मूर्तियाँ खंडित हो रखी है। जो जो आक्रमणकारी आए वो मूर्तियाँ खंडित करके चले गए, इसको तो गिरा नहीं पाए, गिराने की काफ़ी कोशिश की लेकिन गिरा नहीं पाए। सबसे पहले यही शहर हुआ करता था यहाँ का, जैसलमेर जो है बाद में बसा। बहुत पुराना मंदिर है, कह नहीं सकते कितना पुराना, बहुत ज़्यादा पुराना है ये। जैसलमेर से 16 किलोमीटर दूर है, आप लोग आ सकते हो आराम से, बाइक से वगैरह, बाइक से आ सकते हो, कार टैक्सी से आ सकते हो। माना जाता है पूरे वर्ल्ड में सबसे प्रसिद्ध जैनों का धर्म स्थल है ये। बहुत बहुत सारी मूर्तियाँ खंडित कर रही सब। ऋषभनाथ भगवान,
1675 संवत, बहुत ही खूबसूरत कलाकृति और बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना रखा है। हर एक मूर्ति खंडित कर रखी है, हर एक मंदिर। जैसलमेर इसलिए वहाँ पे बसा कि यहाँ पे सुरक्षित नहीं था ये सब लोग, क्योंकि यहाँ पे इतना हाइट भी नहीं थी जितनी जैसलमेर फोर्ट की हाइट है, इसलिए जैसलमेर वहाँ पे बसा। और वहाँ पे पूरा उन्होंने जैन मंदिर वगैरह बनवा रखा है अंदर। यहाँ से गुफा भी जाती है, वो कहाँ है आइडिया नहीं मुझे, जो गुफा फोर्ट के अंदर से जो जैन टेम्पल है ना, वहाँ से निकलती है और यहाँ तक आती है। 16-17 किलोमीटर दूर है गुफा, और यहाँ पे कहाँ निकलती है किसी को नहीं पता। अभी बीच में खुदाई का काम चल रहा था यहाँ पे, तब वो गुफा मिली थी इनको, फिर बंद करवा दिया किसी कारणवश। यहाँ पे सांप रहता है, वो किसी को दिख जाए तो उसके लिए शुभ होता है, मुझे तो डर लगता है। बाहर का पता किसी को आइडिया नहीं है, बस दूध भर के रख दो ख़त्म हो जाएगा, वो आके पी के चला जाएगा। ये है क्लब रक्स, चिड़िया विड़िया वो भी सब एकदम जैसी थी वैसी वैसी सूख गई, पेड़ भी पूरा सूख गया। जब ये पेड़ जिंदा था ना, जब इसके अंदर जान थी, तब इसके नीचे खड़ा होकर कुछ भी मांग लो आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी ये सूख गया है, इसको किसी ने शराब दे दिया था तो सूख गया। अच्छा, आ सकते हो आप, कैमरे के लिए 50 रुपीज़ चार्जेस है, जैसे मेरे लोकल है तो 50 रुपीज़ रहेगा पर पर्सन। ये किससे बना हुआ है? तांबे का है शायद, तांबा एंड लकड़ी का ना। इसे हम इसके जैसे ही आकृति से वो बना हुआ है टेंपल। ये चार पाई है, ये रथ है जिसके चार टायर वाला रथ है, घोड़ों का है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे टेंपल है, जो दादा गुरुदेव। ये संगमरमर के पत्थर से बनाए गए हैं, इतना भी वाइट वाइट अच्छा है। और गुफा के बारे में पूछ लेता एक बार, गुफा कहाँ पे, वो गुफा कहाँ है विक्रम सिंह, जो फोर्ट से यहाँ तक गुफा आती है वो कहाँ पे है? किसी को नहीं पता, अभी लॉक कर रखी, किसी को नहीं पता बस लॉक कर। हाँ नहीं, किले में से तो आ रही है वो, देखी मैंने वहाँ से, यहाँ पे कहाँ निकलती, किसी को भी नहीं पता, अभी लॉक है। तो लुधुरा जेंटल में आप लोग आ सकते हो आराम से देखने के लिए, बहुत अच्छा मंदिर है।